हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आशालता लिविंग नेचर से। फ्रेंड्स, चलिए फिर आज टेरेस पे। तो फ्रेंड्स देखिए, आज आप लोगों को हम दिखाएंगे जो क्रिजेंथेमम इस टाइम लगाइएगा तो आपका ढेर सारा फ्लावर खिलेगा। तो इसे पहले भी लगा सकते थे, हम मेरा थोड़ा लेट हो गया, तो फिर भी अभी हम इसको काटिंग करके लगाएंगे। पहले हम काट लेंगे आपका जो फ्लावर है पुराना, उसका आपका पसंदीदा कलर है उसको आप पहले ले लीजिए और फिर उसका इस टाइम। चलिए दिखाते हैं हम कैसे लगाना है। पहले हम काट लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हम यहीं पर बालू ले लिया, बालू छान लिया, लेके सब जहाँ पर हम ये क्रिजेंथेमम लगाएंगे यहीं पर सब रख दिया। तो ज़्यादा डीप पॉट मत लीजिएगा, छोटा पॉट में लीजिएगा, क्योंकि इसका रूट छोटा छोटा होता है। तो देखिए, हम एक नारियल का डिब्बा है, इसमें भी हम लगाएंगे। और ये देखिए, ये जो क्रिजेंथेमम हम लिया 45 डिग्री एंगल से हम काट देंगे और इसका जो लीफ है ये पूरा हम काट देंगे। ये दो लीफ रख देने से हो जाएगा। तो पहले हम आप लोगों को दिखाएंगे ये जो होममेड जो हार्मोन है, रूटिंग हार्मोन, इससे हम लगाएंगे। ये है एलोवेरा जेल, ये बहुत अच्छा होता है, तो इससे भी हम डिप कर लेंगे थोड़ा। काट लेंगे। दो लिप रहेगा, ऐसा करके रख दीजिए। देखिए पूरा लगा के रख दिया, थोड़ा टाइम रख दीजिए, थोड़ा ड्राई हो जाएगा तो अच्छा है। दो तीन मिनट ऐसे रख दीजिए बाहर में। हम लगाएंगे ये जो रूटिंग हार्मोन बाजार से जो मिलता है उसके वही देके हम लगाएंगे। पहले ये भी काट लेंगे। अलग अलग वैरायटी अलग अलग जगह में लगाइएगा तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, कौन कलर कौन पॉट में। तो ऐसे भी लिख के भी रख सकते हैं तो और अच्छा है। Thank you.
लगता है और दिक्कत भी होता है। तो देखिए ये काट दिया और दो लीफ हम छोड़ दिए, ऐसे हो गया। अभी हम लगा के आप लोगों को दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए एलोवेरा लगा के हम रख दिया और अभी हम इनको लगाएंगे। पहले इसमें पानी डाल देंगे, पानी सब चल गया, चल गया। अभी हम अभी और थोड़ा पानी डालेंगे और यहीं पर हम लगाएंगे ये जो हार्मोन पाउडर लगाया वो हम यहीं पर लगा देंगे। तो फ्रेंड्स ये भी हम लगाया और थोड़ा फिर इसमें भी पानी डाल देंगे और ऐसे जगह में रख दीजिएगा जहाँ पर डायरेक्ट धूप ना लगे, थोड़ा सेमी सेट पर रख दीजिएगा। और देखिएगा 10-15 दिन के बाद इसमें रूट आ जाएगा, तो उस टाइम आप थोड़ा छोटा पॉट में लगा सकते हैं। तो अभी आप लोग मेरा अपडेट देखते रहिएगा, अभी हम सेमी सेट पर रख देंगे। तो आप लोग भी इस टाइम ऐसा कर लीजिए और 10-15 दिन बाद क्या करना है हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स मिलते अगले वीडियो में।